गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके नाम लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी हैं। इस बीच जानकारी सामने आई कि इन तीनों आरोपियों की अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री है। तीनों ने पुलिस को बताया भी कि वो बड़ा माफिया बनना चाहते हैं, इसलिए अतीक और अशरफ की हत्या की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक लवलेश तिवारी बांदा का रहने वाला है। लवलेश के परिवार ने खुद बताया है कि कुछ साल पहले लवलेश ने चौराहे पर एक लड़की को थप्पड़ मार दिया था। इस थप्पड़ का केस अभी तक चल रहा है। इस मामले में लवलेश जेल जा चुका है और फिलहाल जमानत पर बाहर है। लवलेश के परिवार ने यह भी बताया कि वो नशा करता है। हत्याकांड में शामिल दूसरे आरोपी अरुण मौर्य उत्तर प्रदेश के कासगंज का रहने वाला है। आज तक इंडिया टुडे को मिली जानकारी के मुताबिक अरुण मौर्य उर्फ कालिया कासगंज के सोरो थाना क्षेत्र में लगने वाले गांव बघेला पुख्ता का रहने वाला है। अरुण के पिता का नाम हीरालाल बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अरुण उर्फ कालिया पिछले 6 सालों से घर से बाहर रह रहा था। रिपोर्ट के अनुसार अरुण के माता पिता का 15 साल पहले निधन हो चुका है। आरोप है कि GRP थाने के एक पुलिसकर्मी की हत्या करने के बाद अरुण उर्फ कालिया फरार हो गया था। इस मामले में वो बाद में जेल भी गया था। जेल से छूटने के बाद वो कासगंज छोड़कर बाहर चला गया था। आरोप है कि साल 2014-15 में कासगंज बरेली फरुखाबाद रेलवे मार्ग पर उजियानी और सोरो के बीच चलने वाली ट्रेन में लूट के बाद उसने सिपाही की हत्या कर दी थी। अरुण उर्फ कालिया के 2 छोटे भाई भी हैं, जिनके नाम धर्मेंद्र और आकाश हैं। ये दोनों फरीदाबाद में रहकर कबाड़ बेचने खरीदने का काम करते हैं। अरुण मौर्य की चाची लक्ष्मी देवी और चाचा गांव में ही रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अरुण की चाची लक्ष्मी ने बताया कि अरुण बहुत पहले गांव आया था, उसके बाद वो आज तक नहीं आया। अरुण की चाची ने आगे बताया कि वो गांव आता था लेकिन किसी से बात नहीं करता था। वहीं तीसरा आरोपी सनी कासगंज का रहने वाला है। इसके ऊपर लगभग 15 मुकदमे दर्ज हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तीनों ही अलग अलग मामलों में जेल भी जा चुके हैं। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि तीनों का गैंगस्टर बनने का सपना है, इसलिए उन्होंने अतीक और अशरफ को मारने का प्लान बनाया था। हालांकि इनके बयानों को अभी सही नहीं माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि तीनों के बयानों में विरोधाभास है। पुलिस और जांच कर रही है। इससे पहले 15 अप्रैल की रात को गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई। पुलिस दोनों को मेडिकल कराकर वापस ले जा रही थी। हत्या से ठीक पहले दोनों मीडिया से बात कर रहे थे। इसी दौरान इन तीन आरोपियों ने दोनों पर 40 सेकंड में 18 राउंड गोलियां फायर की। तीनों आरोपी गोलीबारी के बाद धार्मिक नारे लगा रहे थे। इन तीनों से पुलिस की पूछताछ जारी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी मानसी ने। मैंने हारिका यादव, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।